बाद ये एक श्री राम इंटरनेशनल कोचिंग की स्थापना की गई और इसमें पूर्वांचल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए गाइडलाइन इसमें देना है। कोचिंग ये एक साधारण कोचिंग नहीं है, ये कोचिंग आगे चल के इसका रहस्य ज़्यादा मालूम होगा। इसमें सबसे पहला काम ये है कि हम यहाँ के बच्चों को जो समझते हैं कि पैसा के अभाव में हम IAS IPS नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं। हमारी सरकार भी मदद इस समय कर रही है और बड़े बड़े संस्थाएं भी इसमें काम कर रही हैं कि बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए रहने खाने कोचिंग की पूरी व्यवस्था फ्री देती है दिल्ली में रहने के लिए, मगर वो बच्चे जानते नहीं इधर के। इसमें कोचिंग में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, किसी भी विद्यालय के बच्चे पढ़ें, किसी भी विद्यालय के टीचर आकर के यहाँ पढ़ा सकते हैं। ये स्कूल टाइम से अलग की बात है, आए पढ़ाएं और बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया। और सबसे बड़ी चीज़ की जानकारी देना है कि आपको कैसे ऊपर दिल्ली में जाके पढ़ना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको सब व्यवस्था देंगे, हमसे जब चाहें मिले। हमारा मोबाइल नंबर है 94-15-28-0757 और हमारे इस पर कई लैंडलाइन भी है, जिसमें दो लैंडलाइन से हम बातचीत करते हैं 2 बजे तक और मोबाइल से 24 घंटा कभी भी कोई फ़ोन करेगा तो बात करेंगे। सर एक बात बताइए, इसकी गाइडलाइन क्या होगी, जैसे कोई पढ़ना चाहेगा अगर उसको आपसे कांटेक्ट करना हो, चलिए मोबाइल नंबर से ही कांटेक्ट किया जाए, टाइमिंग क्या होगी सर? टाइमिंग क्या होगी सर? इस कोचिंग का टाइमिंग तो 6 बजे से बोर्ड पर लगा हुआ है, 6 बजे से, हाँ जितना देर तक बच्चे आते हैं, ये तो रात में भी चलेगा कोचिंग। सर इसका ऑनलाइन क्लासेस होगा कि ऑफलाइन क्लासेस? नहीं, ऑनलाइन, देखिए ऑनलाइन क्लासेज और ऑफलाइन में दोनों में बहुत अंतर है। ऑनलाइन की भी व्यवस्था है, यहाँ से दिल्ली हम कोचिंग ज्वाइन करा देंगे, मगर वो तो बच्चे आजकल नेट का ज़माना है, कहीं भी कर सकते हैं, मगर हम उसकी भी व्यवस्था देंगे, मगर जा कर के वहाँ पढ़ना खाना पीना सब कुछ मिलना, ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसका गाइडलाइन हम देंगे। और सर एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, देखा जाए तो आप एक स्कूल के टीचर भी हैं, ऐसे प्रिंसिपल भी रह चुके हैं आप, सर एक बात बताइए, आपको क्या लगता है जो ऑनलाइन पढ़ाई है वो सही है या मतलब गलत है? देखिए ऑनलाइन पढ़ाई में अभी हमारे पूर्व कुल सचिव BHU के आए हुए थे, जो इस पर बहुत अच्छा व्याख्यान किए हैं, आप लोगों के पास उसका है। मतलब जो पुरानी पद्धति है वही सफल है और वही सही है। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। और सर फीस चार्जेस क्या हो गया? देखिए कोचिंग का, कोचिंग में यहाँ तो फीस का चार्ज है, मैं दिल्ली में आपको रहने खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ देंगे, वो है ऑलरेडी, यहाँ के लोगों को जानकारी नहीं है और हमारी सरकार भी मदद कर रही है, सरकार भी पढ़ाने के लिए लोन दे रही है। वहाँ दिल्ली में निःशुल्क? दिल्ली में निःशुल्क है वो, बस केवल देश सेवक सीधे IAS PCS इस तरीके के पढ़ाई के लिए ये फ्री व्यवस्था मिलेगा। सर एक सवाल, जनपद में बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, आपके यहाँ क्या विशेष है? हमारे यहाँ विशेषता यही है कि जो हम बात बता रहे हैं कि हम दिल्ली में भेजेंगे बच्चों को पढ़ने के लिए और व्यवस्था उनको फ्री देंगे, ध्यान दीजिएगा बात को, फिर इसको जोर दे रहे हैं, केवल IAS IPS PCS जे मतलब उच्च शिक्षा के लिए ही ये फ्री व्यवस्था है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सर, जहाँ पे आप का ये कोचिंग है उसका एड्रेस क्या होगा, यदि मान लीजिए कोई मोहम्मदाबाद से चलकर आना चाहे, वाराणसी से चलकर आना चाहे, वो कैसे है? ये हमारा एक लिंक बना हुआ है, ये जो कोचिंग का नाम है श्री राम इंटरनेशनल कोचिंग, इसका आप लिंक डालेंगे तो सब कुछ आ जाएगा, इसका वेबसाइट और ऑनलाइन सब कुछ, आप सर्विस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, सर्च करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।